कुछ खेती किसानी की भी बात हो जाए। किसान को भगवान का दर्जा दिया गया है, किसान मेहनत करता है, अन्न उपजाता है, पसीना बहाता है, और तब हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां खाते हैं। किसान सब कुछ करता है, बहुत मेहनत करता है। देखिए किसान के बेटे हैं, आज रविवार का दिन है, अभी यह संडा उखाड़ रहे हैं, या संडा संडा विधि से धान की रोपाई होती है। और यह बड़े बड़े हो गए हैं, जो खेती नहीं करते हैं उन्हें नहीं पता होगा यह क्या है। जैसे एक बार एक प्रधानमंत्री जी के बेटे ने कहा था कि गुड़ बो, उन्हें नहीं पता था कि गुड़ पैदा कैसे होता है। अब जिसने किसानी नहीं किया है, जो किसानों के बीच नहीं रहा है, उसे नहीं पता है कि गन्ना से गुड़ निकलता है, गन्ने की पिराई होती है, उसके बाद ईंधन लगाया जाता है, उसे पकाया जाता है तो गुड़ पैदा होता है, गुड़ निकलता है। यह है संडा, संडा विधि। पहले धान, अब चलिए किसान जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव, जितेंद्र अपने परिवार के साथ यह धान को उखाड़ रहे हैं और इसकी रोपाई करेंगे। यह बेहन है, इसकी रोपाई करेंगे। मौसम तो बहुत ख़राब है, इस समय पानी है नहीं। पानी कहाँ इस समय, तो सूखा सूखा पड़ा है। सूखा सूखा, देखिए इधर हम खेत दिखा देते हैं एक बार। आज के हमारे छायाकार हैं सोमनाथ यादव जी, जो छात्र नेता हैं, हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। यह सूखा सूखा खेत, धान को पानी चाहिए। धान पान और केरा, तीनों पानी के चेरा, केला के लिए और पान के लिए, धान के लिए, तीनों को पानी की आवश्यकता होती है। चलिए भैया बताइए, इसका बीज डाला गया होगा, कौन सा धान है या? ये मोतिया धान है। मोतिया, हाँ, इसका बेहन पड़ी है एक बार। अच्छा, एक बार बेहन डाली गई, मतलब लेव लग पलेवा करके बेहन डाल दी गई, छीट दिया गया। फिर कितने दिन बाद उसको उखाड़ करके? फिर 20-25 दिन, एक महीना में तैयार होता है, तो फिर उसको उखाड़ कर फिर लगाया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद तो फिर 20-25 दिन, एक महीना में संडा तैयार होता है। अच्छा, देखिए अब हम फिर क्लियर कर दें, एक बार धान का बेहन डाला, धान तो वह 20-25 दिन में तैयार हुआ, तो उसको फिर उखाड़ करके फिर रोपाई किया, थोड़ी दूरी दूरी पर। तो यह मोटा मोटा हुआ है, 20-25 दिन बाद जब बड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको फिर उखाड़ेंगे और तीसरी जगह लगाएंगे, तो इससे धान का बेहन कम लगता है। चलिए एक बार दिखाओ बेटा, ये है। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। मुकेश यादव, कौन सी क्लास में पढ़ाला? 8। 8, 8 की स्पेलिंग? हाँ 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 हाँ, ये आता है, सब आता है जी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो ना, कौन सा स्कूल है? इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल, अच्छा। अब देखिए सरकारी विद्यालय भी कुछ, मतलब उसमें भी अंग्रेज़ी पढ़ाया जाता है, आठवीं में छः से आठ तक तो अंग्रेजी पढ़ाया ही जाता है। तो एट की स्पेलिंग तो बहुत आसान है जी, वन का है ना, वन का पता है, ओ एन ई, टी डब्ल्यू ओ, टू, क्या टी डब्ल ओ टू, टू। चलो ठीक है, तैयारी करना है। तो हार का नाम है बेटा? हाँ, सृष्टि। अच्छा, इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो जी? खाना पीना नहीं मिलता है क्या? मम्मी मम्मी लगला मार थी तो के, क्यों मारती हैं आप? यही मम्मी है ना, हैं मम्मी कहाँ आए, क्यों मारती हैं आप इसको? तो यह है, क्या नाम है तुम्हार? छोटू। ये सबसे छोटा इसलिए छोटू नाम पड़ गया क्या इसका? नहीं, जैसे चारों भाई में छोटा रहा ना, तो इनका छोटू पड़ गया, हाँ। छोटे को आओ बढ़िया पका के खिलाते हैं। अच्छा, क्या नाम है असली नाम बताओ? संगम। क्या? संगम। संगम, संगम कहाँ है बताओ? संगम किस जगह है? अभी लोग नहाने गए थे संगम पर, बता दो। तो यह देखिए, हम इधर भी दिखा देते हैं। यह बलुई दोमट मिट्टी है, इस यह सब्जी के लिए भी अच्छी होती है, और इसमें उखड़ जा रहा है जल्दी जल्दी, और मिट्टी होती तो नहीं उखड़ता। हाई का है कि कटाल है ऊपर से? लौट जाए पानी। ओ देखिए यह है, किसान इंजीनियर भी होता है एक तरह से। धान इसलिए काटा गया है, देखिए एक बार हम उठा के दिखाते हैं कि अगर बड़ा होगा तो ऐसे गिर जाएगा, गिरे ना इसलिए, हाँ। और देखिए इसी से बांधते भी हैं, इसी से बांध दिया जाता है।
यह तकनीक किसान की पुरातन तकनीक है। और देखिए और भी दिखाते हैं, यह सरपत का है, सरपत से यह रस्सी है सरपत की, पकड़िए एक बार उधर देखिए है, इस तरह से इसको किया जाता है ऐसे ऐंठ करके और इस पर बांध दिया जाता है, बांध करके फिर इसी में ले जाते हैं। तो किसान के लिए सारी चीज़ें यहीं मिल गई, यह सरपत मिल गया और इसी से बांध भी दिए फिर चला जाएगा। संकट यह है कि पानी नहीं है, इधर नहर तो है नहीं, नहीं नहर नहीं। अब लाइट कितना आ रही है? लाइट तो वही आ रही है, तो वो काट पीट के 6-7 घंटा आ रहा है, काट पीट के 6-7 घंटा आ रही है। किसान के लिए बड़ा संकट का है, हम कुछ कह नहीं रहे हैं, सारी सरकारों ने ऐसे ही बिजली दिया। कुछ अच्छी स्थिति थी चुनाव तक, लेकिन चुनाव के बाद बहुत ख़राब स्थिति हो गई है। चलिए हम दिखाते हैं बाजरा, बाजरा की रोटी कई बार खाए हैं और यह बड़ा मजबूत है, मोटा अनाज में इसकी गणना होती है। वज्र पड़े तब बजड़ा होए, वज्र माने सूखा, जब सूखा पड़ता है, क्यों यह बात ना है, सही बोल रही हैं हम, तो जब वज्र पड़ता है, सूखा पड़ता है तो बाजरा होता है। बाजरा में कम पानी लगता है, सूखे में भी हो जाता है, एकाध दो बार सिंचाई हो जाती है। तो अभी यह छोटा है, लेकिन ये तो बहुत घन हुए। अच्छा, यह चरी है, मतलब हरा चारा है, या इसमें अगर एक एक छोड़ देंगे तो यह बाजरा भी हो जाएगा, लेकिन इसे यह हरा चारा है, बड़ा पौष्टिक है और पशु इसे बड़ा मन से खाते हैं। चलिए हमने दिखाया धान की खेती संडा विधि से कैसे करते हैं लोग, बाजरा की खेती भी दिखाया। बगल में बेसो नदी है, यह नदी का कछार है एक तरफ से, और प्राकृतिक रूप से काफ़ी अच्छा है। इधर आप देखिए आम है, बांस का झुरमुट है, इस तरफ बरगद है, बरगद के बगल में और भी कुछ है, उधर नीम है, ताड़ के वृक्ष हैं, खूब खजूर है, तो बड़ा मज़ेदार है। इधर अब देखिए आते जाते आप देख रहे हैं कि बड़ा सघन छाया है और पक्षियों की कुछ चहचहाहट भी है। तो यह था किसान की मेहनत, बीज डालने से पहले खेत की जुताई, और खेत मेहनत किया जाता है कई बार जुताई करके, फिर उसे पलेवा किया जाता है, तब धान का बीज डालते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद तो धान पैदा होता है, तब हम खुशबूदार और अच्छा चावल खाते हैं और ऐसे जल्दी जल्दी उदरस्त करते हैं। यह किसान की मेहनत के बारे में, काश हमारी सरकारें सुनती देखती और इनके लिए तमाम सुविधाएं, अब खाद की किल्लत हो गई है, खाद नहीं मिल रही है हर साल भैया, सरकार चाहे जिसकी हो, खाद के लिए लाइन लगेगी, मारा मारी होगी। और ट्रांसफार्मर इस समय कम से कम जनपद में 1000 ट्रांसफार्मर कम से कम जले हुए हैं, मैं कम बता रहा हूँ। ट्रांसफार्मर अगर लाइन बिगड़ जा रही है, कहीं तार गिर जा रहा है तो नहीं बन रही है, तो क्या करते हैं, कैसे बनवाते हैं आप लोग? वही 2-4 दिन 8 दिन दौड़ते हैं तो फिर बनता है। तो बिना पैसे के बना देते हैं कि लेते हैं लोग? अरे कुछ लेते हैं ना, ले जाते बिना लिए हुए बनाएंगे नहीं। तो यह था भैया किसान का, हमने दिखाया और इस तरह से रास्ता चलते दिखाया हूँ, आगे भी दिखाता रहूँगा, आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, विनम्र भाव से सभी को यथोचित नमस्कार।